तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का अपनी क्लास को। और आज किस क्लास में हम लोग जानेंगे इनकम्प्लीट मार्केट से मार्केट फेलियर कैसे होता है। तो चलिए जरा समझने का प्रयास करते हैं, दिल और दिमाग दोनों को ध्यान से लगाकर सुनना, तभी समझ में आएगा। चलिए देखो भाई लोग मेरी बात को बहुत ध्यान से, कि प्राइवेट सेक्टर आप लोग जानते हो पब्लिक गुड्स प्रोवाइड नहीं करवा पाता, प्राइवेट सेक्टर पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करने में फेल हो जाता है। और मैंने पढ़ा भी रखा है, क्या मार्केट फेलियर इन पब्लिक गुड्स, ये आपने पढ़ रखा है। अब अच्छा भैया पब्लिक गुड्स के केस में क्यों प्रोवाइड नहीं करवा पाता, तो याद रखो पब्लिक गुड्स के केस में जो मार्जिनल कॉस्ट होती है वो कॉस्ट होती है ज्यादा, पब्लिक गुड्स के केस में खर्चा होता है ज्यादा और बेनिफिट मिलता है कम, मार्जिनल बेनिफिट मिलता है कम। अब जब कॉस्ट ज्यादा है, खर्चा ज्यादा है और बेनिफिट मिल रहा है कम, तो ऐसे केस में प्राइवेट सेक्टर तो आगे नहीं आएगा, ये काम तो केवल गवर्नमेंट कर सकती है। इसीलिए पब्लिक गुड्स को केवल गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा पाती है, जहां पर कॉस्ट ज्यादा आती है खर्चा कम आता है, प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड नहीं करवा पाता। लेकिन इसके अलावा कुछ वस्तु ऐसी भी है, पब्लिक गुड्स के अलावा कुछ वस्तु ऐसी भी है जहां पर कॉस्ट कम आ रही है, खर्चा कम आ रहा है और बेनिफिट ज्यादा हो रहा है। भाई इतने को समझ में आता है, मेरे को समझ में आता है कि पब्लिक गुड्स के केस में प्राइवेट सेक्टर मना कर रहा है। क्यों मना कर रहा है? पब्लिक गुड्स के केस में खर्चा आता है ज्यादा, कॉस्ट आती है ज्यादा और बेनिफिट मिलता है कम, ठीक है मना कर रहा है। लेकिन कुछ वस्तु ऐसी है जहां पर कॉस्ट कम आ रही है, मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन द मार्जिनल बेनिफिट, कॉस्ट कम आ रही है और बेनिफिट मिल रहा है ज्यादा, लेकिन फिर भी प्राइवेट सेक्टर उन गुड्स एंड सर्विस को प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा, प्राइवेट सेक्टर वहां पर भी फेल हो रहा है, वहां पर भी मार्केट फेलियर हो रहा है। अरे भाई कॉस्ट कम है यार, कॉस्ट कम है, बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है तो प्रोवाइड कर सकता है ना, लेकिन तब भी नहीं करवा पा रहा। खर्चा बहुत कम आ रहा है, प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, लेकिन फिर भी प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा और मार्केट फेलियर हो रहा है। और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट मार्केट। भैया ऐसी कौन सी गुड्स आ गई, सर्विस आ गई जहां पे कॉस्ट कम है, प्रॉफिट ज्यादा है और फिर भी प्राइवेट सेक्टर उसको ठीक से प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा। तो ऐसी गुड्स है, अभी एग्जाम्पल दूंगा, ऐसी गुड्स है इंश्योरेंस और लोन के केस में। क्या बोला मैंने, सुनो, इंश्योरेंस एंड लोन के केस में ऐसा ही होता है। कैसा ही होता है? ऐसा ही होता है जहां पे कॉस्ट कम है। भाई खुद सोचो ना, इंश्योरेंस केस में कॉस्ट कम आती है। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास एक बाइक है, मेरी बुलेट है, मैंने अपनी बुलेट का इंश्योरेंस करवाया और मान लो उस इंश्योरेंस के मैंने जो है 3,000 रुपए पे किए। एग्जाम्पल मेरे को याद नहीं मैंने कितने पे किए, एग्जाम्पल मैंने 3,000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी को पे किए, एक साल का प्रीमियम पे किया। अब एक साल हो गया मेरी बुलेट को कुछ भी नहीं हुआ, और जब कुछ हुआ ही नहीं है तो मैं इंश्योरेंस क्लेम भी नहीं करूंगा, तो मेरे पास से तो केवल 3,000 रुपए गए। क्या कंपनी की कोई कॉस्ट आई? कंपनी की एक फूटी कौड़ी कॉस्ट नहीं आई, कुछ भी कॉस्ट नहीं आई, कंपनी को बैठे बैठे 3,000 रुपए कमा लिए और कंपनी की एक सिंगल कॉस्ट भी नहीं आई। तो यहां पे देख रहे हो कंपनी की कॉस्ट कम है, बेनिफिट मिल रहा है ज्यादा, लेकिन फिर भी कुछ कुछ केस ऐसे है इंश्योरेंस कंपनी के या लोन के जहां पर प्राइवेट सेक्टर फेल हो रहा है, जहां पर प्राइवेट सेक्टर मना कर रहा है कि नहीं जी नहीं, मैं इस चीज का इंश्योरेंस नहीं दे सकता, मैं इस चीज का इंश्योरेंस नहीं दूंगा, मैं इस चीज का इंश्योरेंस नहीं दूंगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि पूरी इंश्योरेंस मार्केट में ही प्राइवेट सेक्टर फेल है, नहीं, इंश्योरेंस मार्केट के अंदर भी कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जिन चीज का इंश्योरेंस प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा, प्राइवेट सेक्टर फेल हो रहा है कि मैं बाइक का इंश्योरेंस दे दूंगा बट मैं इस चीज का इंश्योरेंस नहीं दूंगा, मैं इस चीज का इंश्योरेंस नहीं दूंगा, मैं इस चीज का इंश्योरेंस नहीं दूंगा। अरे भाई इंश्योरेंस अगर दे रहे हो तो हर चीज का इंश्योरेंस दो, ये थोड़ी है कि इसका इंश्योरेंस मिलेगा इसका इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। तो वही बात, प्राइवेट सेक्टर इनका तो इंश्योरेंस दे रहा है बट इन चीज का इंश्योरेंस प्रोवाइड करने में फेल हो गया,
यहाँ पे वो कंप्लीट मार्केट को, पूरी मार्केट को एक लेवल पे लेके नहीं चल रहा, वो कुछ चीज का इंश्योरेंस दे रहा है और कुछ चीज का इंश्योरेंस नहीं दे रहा, क्योंकि उनको इंश्योरेंस देने में प्राइवेट सेक्टर को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर इन चीज के इंश्योरेंस प्रोवाइड करने में फेल हो रहा है। भैया बारह बोलो इन चीज का इंश्योरेंस, इन चीज का इंश्योरेंस, बेटा सबर करो थोड़ा, अभी एग्जाम्पल्स आएंगे मैं आपको बताऊंगा। कि आपको मेरी बात समझ में आई? ऐसी अगर मैं बात करूं लोन की, तो लोन वाले केस के अंदर भी कॉस्ट काफी कम आ रही है और प्राइवेट सेक्टर को बेनिफिट मिल रहा है ज्यादा, लेकिन फिर भी प्राइवेट सेक्टर वहां पर जो है ठीक से लोन प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी प्राइवेट कंपनी से 1,00,000 रुपए का लोन लेता हूं 20% के ब्याज पे, तो 1,00,000 रुपए का लोन लिया और मेरे को 1,20,000 रुपए वापस करने हैं। 20,000 रुपए प्राइवेट कंपनी ने बैठे बैठे कमाए, क्या 20,000 रुपए कमाने की कोई कॉस्ट आई? कोई कॉस्ट नहीं आई। क्या कोई खर्चा आया? कोई खर्चा नहीं आया। उन्होंने 20,000 रुपए जो मैंने उनको एक्स्ट्रा पे करे, क्या उनकी कोई कॉस्ट आई 20,000 रुपए कमाने में? कोई खर्चा आया? कुछ भी नहीं आया। तो यहां देख रहे हो यहां पे कॉस्ट कम है, बेनिफिट ज्यादा है, बट फिर भी प्राइवेट सेक्टर फेल हो रहा है और इसी चीज को बोला गया मार्केट फेलियर। एग्जाम्पल अभी आपके सामने आएंगे, ठीक है? आइए पहले थोड़ा इतना पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है मेरे प्यारे प्यारे मित्रों मित्राणियों, मेरा सहेलो सहेलियों, सुनो। प्योर पब्लिक गुड्स एंड सर्विस आर नॉट द ओनली गुड्स एंड सर्विस दैट प्राइवेट मार्केट फेल्स टू प्रोवाइड। कि प्राइवेट सेक्टर केवल पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करने में ही फेल नहीं होता, इसके अलावा कुछ गुड्स एंड सर्विस ऐसी भी है जिनको प्रोवाइड करने में वो फेल हो जाता है। हालांकि वहां पे कॉस्ट कम आ रही है, खर्चा कम हो रहा है, बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है, बट फिर भी प्राइवेट सेक्टर फेल हो रहा है। क्या लिखा है? व्हेनेवर प्राइवेट मार्केट फेल्स टू प्रोवाइड अ गुड और सर्विस। कि जब भी प्राइवेट मार्केट फेल हो जाती है उस गुड्स एंड सर्विस को प्रोवाइड करवाने में, जहां पर इवन दो जहां पर कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग इज लेस देन द इंडिविजुअल्स आर विलिंग टू पे, जहां पे कॉस्ट काफी कम आ रही है, इंडिविजुअल पे कर रहा है ज्यादा। मैंने कितना पे करा? 3,000 रुपए मैंने पे करे भाई साहब अपने इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम, और कॉस्ट उनकी काफी कम आ रही है, उनको बेनिफिट मिल रहा है ज्यादा। 3,000 रुपए का इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, उनकी कोई कॉस्ट नहीं आ रही, लेकिन फिर भी वो फेल हो रहे हैं, फिर भी वो मार्केट में उस वस्तु को प्रोवाइड ठीक से प्रॉपरली नहीं करवा पा रहे, जिसकी वजह से मार्केट फेल हो रही है। और इसी चीज को हमने क्या बोला? इनकम्प्लीट मार्केट बोला। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ इकोनॉमिस्ट का मानना है कि प्राइवेट मार्केट ने काफी पुअर काम किया है, काफी पुअर जॉब की है इंश्योरेंस एंड लोन के एरिया में। कि प्राइवेट मार्केट ठीक से इंश्योरेंस मार्केट में और लोन मार्केट में काम नहीं कर पा रहा, प्राइवेट कंपनीज ठीक से इंश्योरेंस एंड लोन को प्रॉपरली जनता को प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे। अब जब जनता को ठीक से इंश्योरेंस या लोन नहीं मिलेगा, तो ऐसे केस में फिर गवर्नमेंट को एंट्री लेनी पड़ेगी और फिर गवर्नमेंट को अपनी एक्टिविटीज स्टार्ट करनी पड़ेगी, फिर गवर्नमेंट को इंश्योरेंस एंड लोन के एरिया में आना पड़ेगा। अगर प्राइवेट सेक्टर ठीक से इंश्योरेंस और लोन प्रोवाइड कर दे तो गवर्नमेंट को आने की नीड नहीं है, बट गवर्नमेंट को आना पड़ेगा क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ठीक से लोन प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा। द प्राइवेट मार्केट डज नॉट प्रोवाइड इंश्योरेंस फॉर मैनी इंपॉर्टेंट रिस्क दैट इंडिविजुअल फेसेस। प्राइवेट मार्केट जो है बहुत सारे चीजों के, बहुत सारे रिस्क के इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करवा पाता। एक इंसान को बहुत सारे चीजों के इंश्योरेंस चाहिए और प्राइवेट मार्केट सब चीज के इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करवा पाता। बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है इंसान की लाइफ में जिसका उसको इंश्योरेंस चाहिए, प्राइवेट सेक्टर वो प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा। भैया क्या प्राइवेट सेक्टर जो है गर्लफ्रेंड का इंश्योरेंस देता है? कि अगर गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई क्या इंश्योरेंस मिल जाएगा? बे नालायको, गर्लफ्रेंड का कोई इंश्योरेंस नहीं होता बेटा। अगर गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई ना तो केवल दुख दर्द पीड़ा ये मिलेगा, इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। भैया गर्लफ्रेंड का भी इंश्योरेंस होना चाहिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। नालायक पढ़ाई कर ले, गर्लफ्रेंड इंपॉर्टेंट है।
गर्लफ्रेंड का कोई इंश्योरेंस नहीं होता, ठीक है। तुम्हारी पहली बात, तुम्हारी किस्मत में ही नहीं है गर्लफ्रेंड, तुम्हें उसका इंश्योरेंस कहाँ से मिलेगा? इंश्योरेंस लेने के लिए वो वस्तु होनी चाहिए, पहले गर्लफ्रेंड तो पटा लो। सुनो, गर्लफ्रेंड का इंश्योरेंस चाहिए इनको, जनाब को। सुनो, तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहां पे प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करवा पाता। जैसे कि अब मैं एग्जांपल दूं, फ्लड इंश्योरेंस, बाढ़ का इंश्योरेंस। हालांकि आज की डेट में प्राइवेट सेक्टर काफी सुधर चुका है, आज की डेट में प्राइवेट सेक्टर बहुत सारी चीजों के इंश्योरेंस प्रोवाइड करवा पाता है। लेकिन यहाँ पे जो बात की गई है ना, ये थोड़े पहले की बात की गई है इस किताब के अंदर, जहाँ से लिखा है मैंने, यहाँ पे जो बात की गई है वो थोड़े पहले की बात की गई है। आज की डेट में तो प्राइवेट सेक्टर काफी सुधर चुका है। तो यहाँ बोलता है प्राइवेट सेक्टर बहुत सारी चीजों के इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करवा पाता, जिसकी वजह से उन चीजों के इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट बीच में एंट्री मारती है। वो कौन कौन से केस है, वो कौन कौन से एग्जाम्पल है, वो कौन कौन सी चीजें हैं जहां पे प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा, अभी अगली स्लाइड में एग्जाम्पल आएगा, टेंशन ना लो, ठीक है मेरे बच्चों, मेरे सोना, मेरे बाबू, टेंशन मत ले। तो सुनो क्या बोलता है कि हालांकि इंश्योरेंस मार्केट आर मच बेटर टूडे देन दे वर 75 ईयर्स अगो, कि आज तो बहुत अच्छे हो चुके हैं इंश्योरेंस मार्केट, कि पहले तो बड़े बेकार थे, आज बहुत ठीक हो चुके हैं। द गवर्नमेंट हैज अंडरटेकन मैनी इंश्योरेंस प्रोग्राम मोटिवेटेड एटलीस्ट बाय दिस मार्केट फेलियर। अब जब हमने देखा कि प्राइवेट सेक्टर इस चीज का इंश्योरेंस नहीं दे रहा, इस चीज का इंश्योरेंस नहीं दे रहा, इस चीज का इंश्योरेंस नहीं दे रहा, इट मीन्स प्राइवेट सेक्टर फेल हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर मार्केट फेलियर को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि वो बहुत सारी चीजों के इंश्योरेंस नहीं करवा पा रहा। इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं जी, अब हम आएंगे और जो जो मार्केट फेलियर हो रहे हैं, इट मीन्स जहां जहां पे मार्केट फेल हो रही है, जहां जहां पे प्राइवेट सेक्टर फेल हो रहा है, अब वहां वहां पे इंश्योरेंस हम प्रोवाइड करवाएंगे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने एंट्री ली और बहुत सारे इंश्योरेंस प्रोग्राम को गवर्नमेंट ने अपने अंडर में रखा कि इसका इंश्योरेंस अब हम देंगे, प्राइवेट के बस की बात नहीं है ना, तुमसे ना हो पाएगा। गवर्नमेंट ने क्या बोला प्राइवेट से, ओ प्राइवेट वालों तुमसे ना हो पाएगा, अब हम बताएगा कि कैसे प्रोवाइड करते हैं इंश्योरेंस। समझ में आ रहा है नालायको? सुनो, तो यहाँ पे बताया गया है कि कहाँ कहाँ पे गवर्नमेंट ने अपने इंश्योरेंस प्रोग्राम लॉन्च किए जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर फेल हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे जो भी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जो भी यहाँ पे इयर्स की बात हो रही है बेटा, ये इंडिया की नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है यूएसए की, अमेरिका की। बिकॉज यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिखे हैं या जिस बुक से मैंने एग्जांपल लिखे हैं, उस बुक में अमेरिका के एग्जांपल थे, तो मैंने उन एग्जांपल्स की ही बात की गई है। जैसे कि 1933 में, आपको पता है 1930s के आसपास पूरे वर्ल्ड में एक ग्रेट डिप्रेशन, एक आर्थिक महामंदी आई थी, जिसकी वजह से, जिस उस ग्रेट डिप्रेशन की वजह से अमेरिका में बैंक फेलियर हो गया था। बैंक फेलियर का मतलब है अमेरिका के बहुत सारे बैंक दिवालिया हो गए थे, बहुत सारे बैंकों का पैसा डूब गया था, वो सारे बैंक सड़क पे आ गए थे। अब ऐसे केस में क्या प्राइवेट सेक्टर उन बैंकों का इंश्योरेंस करवा पा करेगा? भैया प्राइवेट सेक्टर छोटे मोटे इंश्योरेंस करता है, मेरी बाइक ठुक गई तो उसका इंश्योरेंस कर देगा, ये थोड़ी है पूरा बैंक लुट गया, पूरा बैंक बर्बाद हो गया, करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए। अब क्या प्राइवेट सेक्टर उस बैंक को करोड़ रुपए देगा? भाई प्राइवेट के पास खुद इतना पैसा नहीं होगा जितना बैंक का डूब गया, मेरी बात समझ में आ रही है? तो बहुत सारे केस ऐसे हैं जहां पे प्राइवेट के बस की बात ना है भाई, प्राइवेट के बस की बात ना है इंश्योरेंस दे पाना, वहां पे गवर्नमेंट सामने आएगी। तो अगर बैंक फेल होता है तो ऐसे केस में जो भी डिपॉजिटर थे जिन्होंने बैंक में जमा करवाया था पैसा, उनका तो पैसा डूब गया नहीं, उनके लिए गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया बैंक फेलियर इंश्योरेंस, जहां पर यदि कोई बैंक फेल होता है, कोई बैंक दिवालिया होता है, तो ऐसे केस में जो भी बैंक के डिपॉजिटर थे जिन्होंने भी अपना पैसा बैंक में जमा करवाया था, उनको उनका पैसा मिलेगा, उनको उनका पैसा गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी अपनी इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से। लेकिन ये तभी होगा जब उस बैंक ने
सरकार के पास जाके अपना इंश्योरेंस करवा रखा हो। बैंक जाएगी, उस गवर्नमेंट कंपनी के पास जाएगी और बोलेगी जी हमारे बैंक का इंश्योरेंस कर दो, हमारे डिपॉजिटर्स का इंश्योरेंस कर दो। फिर बैंक क्या करेगा, हर साल एक प्रीमियम पे करेगा उस कंपनी को, और फिर इन फ्यूचर कभी भी बैंक बर्बाद होता है तो वह कंपनी बैंक के डिपॉजिटर्स को पैसा देगी ताकि कस्टमर को, डिपॉजिटर्स को कोई परेशानी ना हो। तो वही लिखा है कि बैंक फेलियर हुआ 1933 में डिप्रेशन की वजह से, तो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया इंश्योरेंस फॉर बैंकिंग फेलियर्स, जहां पे क्या था, बैंक एक एनुअल प्रीमियम पे करेगी किसको, इंश्योरेंस कंपनी को, ताकि जितने भी डिपॉजिटर्स का जो लॉस हुआ था वो लॉस रिकवर हो सके, कि बैंक के इंसॉल्वेंट होने से, दिवालिया होने से जितने भी कस्टमर ने जो बैंक में अपना पैसा, अपनी सेविंग जमा कराई थी, और उन डिपॉजिटर्स का जो भी लॉस हुआ वो उनको पैसा मिल जाएगा उस इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से। इसी प्रकार गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया क्या, फ्लड इंश्योरेंस, की बाढ़ के आने से यदि कोई भी संपत्ति की, असेट की हानि होती है तो ऐसे केस में भी इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाया जाएगा। उसी प्रकार एग्जाम्पल दिया कि 1967 में जब दंगे हुए और दंगों की वजह से जब आग लगाई गई, जब दंगे होते हैं आपको पता है आग लगती है, किसी घर में आग लगा दी, बस में आग लगा दी, बाइक में आग लगा दी, कार में आग लगा दी, तो 1967 में जब दंगे हुए तो बहुत सारी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी ने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया कि नहीं हम आपको फायर इंश्योरेंस नहीं देंगे। तो ऐसे केस में अगेन एक बार गवर्नमेंट ने स्टेप उठाया और गवर्नमेंट ने फायर इंश्योरेंस स्टार्ट किया कि हम सरकार अब से फायर इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करवाएगी। इसी प्रकार सिमिलरली गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया क्रॉप इंश्योरेंस, किसान की फसल बर्बाद होती है तो उसका भी इंश्योरेंस मिलेगा। हेल्थ इंश्योरेंस, बुजुर्गों के लिए सरकार ने हेल्थ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करा। तो ये सभी इंश्योरेंस के केस थे जहां पे प्राइवेट सेक्टर आगे नहीं बढ़ रहा था, इनकी शुरुआत गवर्नमेंट सेक्टर में करी। इन सभी केस में गवर्नमेंट सेक्टर ने इंश्योरेंस प्रोवाइड करना स्टार्ट किया। और ऐसे ही 1997 में गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड बॉन्ड्स। इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड बॉन्ड्स का मतलब है कि सरकार ने बोला हम महंगाई से लड़ने के लिए, कि आपको, जनता को महंगाई का सामना ना करना पड़े, हम उसके लिए भी एक बॉन्ड लेके आए हैं जिसका नाम है इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड बॉन्ड्स, कि आप हमसे ये बॉन्ड खरीदे 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का। और आज की डेट से मान लो कि आज एक कस्टमर ने 5 साल वाला बॉन्ड खरीदा, अब उस पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो आज की डेट से 5 साल तक जितनी भी महंगाई बढ़ी, 5 साल तक जितने परसेंट भी महंगाई बढ़ी, उतने ही परसेंट का रिटर्न उस कस्टमर को उसके बॉन्ड पर मिलेगा। इसका मतलब ये होगा जो भी महंगाई बढ़ी उस कस्टमर को वो महंगाई फेस करनी नहीं पड़ेगी। अगर महंगाई बढ़ी 20% इन 5 साल में, अगर महंगाई बढ़ी 20% तो उस कस्टमर को 20% का रिटर्न प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि उस कस्टमर को महंगाई की समस्या फेस नहीं करनी पड़ी, बिकॉज जितनी भी महंगाई हुई उतना पैसा उस कस्टमर को मिल गया। तो गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड बॉन्ड्स भी चालू करे जहाँ पे एक गारंटीड रिटर्न मिलता था अगेंस्ट द इन्फ्लेशन। तो इस प्रकार से अगेन एक बार मार्केट फेलियर हुआ जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर मार्केट को ठीक से इंश्योरेंस अलोन प्रोवाइड नहीं करवा पाया, और ऐसे केस में गवर्नमेंट आई और गवर्नमेंट ने आके अगेन एक बार इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस के केस में, लोन के केस में अपने स्टेप आगे बढ़ाए, और यहाँ पे एक बार मार्केट फेलियर को गवर्नमेंट ने बचाया। बताइए समझ में आ गया, होपफुली समझ में आ गया होगा कि इनकम्प्लीट मार्केट में मार्केट फेलियर कैसे होता है। तो आज के लिए इतना काफी है, ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। चलिए।